दोस्तों, साउथ की फिल्मों की सफलता में हीरो से ज्यादा विलन का योगदान होता है। यही वजह है कि कई फिल्मों को विलन के किरदार की वजह से जाना जाता है। फिल्मों में विलन को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। साउथ इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं ने खलनायक की भूमिका निभाई है और आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ये अभिनेता काफी पॉपुलर भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी साउथ इंडस्ट्री के विलन के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनकी रियल लाइफ पत्नियों के बारे में जानते हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत है? इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही अभिनेताओं के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनके रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में। नंबर वन पर नाम आता है मुकेश ऋषि का। अभिनेता मुकेश ऋषि, जिन्हें साउथ में लगभग हर दूसरी फिल्म में खलनायक के रूप में देखा जाता है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक लोकप्रिय खलनायक है, जिन्होंने अपनी खलनायकी से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन अगर हम उनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं, तो उनकी पत्नी का नाम केशनी ऋषि है, जिनसे उन्होंने साल 1989 में शादी की थी, जो एक अरेंज मैरिज थी, और इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ। आपको बता दें कि उनकी पत्नी पेशे से एक टीचर थी, लेकिन उनकी शादी के बाद उन्होंने अपनी टीचिंग जॉब छोड़ दी और तब से लेकर अब तक वो हाउसवाइफ के रूप में अपने घर की देखभाल कर रही हैं। नंबर दो पर नाम आता है आशीष विद्यार्थी का। एक्टर आशीष विद्यार्थी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक फेमस खलनायक हैं। उन्होंने हर बड़े अभिनेता के अपोजिट खलनायक की भूमिका निभाई है। लेकिन अगर हम इस खलनायक के वास्तविक जीवन की पत्नी के बारे में बात करते हैं, तो उनकी पत्नी का नाम राजोशी विद्यार्थी है, जिसके साथ उन्होंने लव मैरिज की थी। आपको बता दें कि उनकी पत्नी राजोशी पेशे से एक हिंदी टीवी अभिनेत्री हैं, जो सुहानी सी एक लड़की शो में युवराज की मम्मी का किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं। नंबर तीन पर नाम आता है सोनू सूद का। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने खलनायक की भूमिका निभाकर साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, उन्हें साल 2009 की फिल्म अरुंधति में विलन पशुपति की भूमिका के लिए बेस्ट विलन अवार्ड भी मिला है। लेकिन अगर हम इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं, तो उनकी पत्नी का नाम सोनाली सूद है, जिनसे उन्होंने 1986 में शादी की और आज उनके दो बच्चे ईशांत और आयान भी हैं। आपको बता दें कि उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ है। नंबर चार पर नाम आता है अविनाश येलेंडर का। दोस्तों, आपने अभिनेता अविनाश को कई साउथ फिल्मों में विलन की भूमिका में देखा होगा, जो हमेशा फिल्म के हीरो के बिजनेस को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम एक्टर अविनाश येलेंडर की पत्नी के बारे में बात करें, तो उनकी पत्नी का नाम मालविका है, जिनसे उन्होंने साल 2001 में शादी की थी। आज उनकी शादी को लगभग 19 साल हो चुके हैं और ये दोनों कपल एक बेटे के माता पिता भी बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अविनाश की पत्नी भी साउथ की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्हें आपने KGF फिल्म में दीपा की भूमिका निभाते हुए देखा होगा। नंबर पांच पर नाम आता है प्रदीप रावत का। अगर हम साउथ के सबसे खतरनाक खलनायक के बारे में बात करते हैं, तो अभिनेता प्रदीप रावत का नाम एक खतरनाक खलनायक की भूमिका में लिया जाता है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को हैरान कर दिया है। लेकिन अगर हम उनकी पत्नी के बारे में बात करें, तो उनकी पत्नी का नाम कल्याणी रावत है, जिनसे उन्होंने कई साल पहले शादी की थी, जो एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों के बीच काफी प्यार है। छह पर नाम आता है एक्टर राहुल देव का। अभिनेता राहुल देव वलन की भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं, जो साउथ फिल्मों में अपने वलन के किरदार को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं और उनके फैंस को भी उनके वलन का किरदार काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन अगर हम उनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं, तो उनकी पत्नी का नाम रीना देव है, जिनसे उन्होंने साल 1998 में शादी की और उनका एक बेटा सिद्धांत भी है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद उनकी पत्नी बीमारी के कारण इस दुनिया से अलविदा कहकर चली गई, जिसके बाद एक्टर राहुल देव को सहारा मिला एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे का और अब दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानकर कैसा लगा और किसकी पत्नी आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।